नमस्कार, ये धर्म रहस्य है और मैं डॉक्टर राजीव निस्पृह आपसे बात कर रहा हूँ अपने चैनल धर्म रहस्य विद डॉक्टर राजीव निस्पृह के माध्यम से। एक दो प्रश्न मेरे पास आए हैं आपके, जिसमें पूछा गया है कि हम ईश्वर और ब्रह्म को क्या एक मान सकते हैं या किस प्रकार हम उनको समझ सकते हैं, कैसे उनके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। तो पहली बात तो यह है कि हम या मनुष्य प्राणी मात्र ईश्वर के संबंध में चर्चा करने का अधिकारी है नहीं। हम दो प्रकार के बुद्धि वाले लोग हैं, जिनमें एक जो श्रेणी है वो ऐसे लोगों की है जो ये मानते हैं कि ईश्वर है, जैसे ईश्वरवादी कहते हैं, और दूसरे वो हैं जो कि मानते हैं कि ईश्वर नहीं है, ये अनीश्वरवादी हैं या नास्तिक हैं। यद्यपि दोनों में मूलभूत अंतर कुछ भी नहीं, एक ईश्वर की तरफ मुंह करके चल रहा है, दूसरा उनकी तरफ पीठ करके चल रहा है, उनसे दूर जा रहा है। दोनों स्थितियों में प्रमुख ईश्वर ही हुआ। अब ईश्वर और ब्रह्म की बात जहाँ तक है, जो हमारे शास्त्र जो कहते हैं, इस आधार पर जो हम बात करते हैं, उसके सत्य या असत्य होने में कोई दंभ पूर्वक नहीं कह सकता। हमारी दृष्टि त्रिगुणात्मक शक्ति है, यानी सत्व रज और तम। जो सतोगुणी व्यक्ति है या जो सतोगुणी दृष्टि है वो ब्रह्मदेव को मानती है, ब्रह्मा को मानती है जो कि सृजन करता है, सकारात्मक सोच यानी ईश्वर का सृजनकारी रूप। दूसरी जो दृष्टि है वो रजोगुण प्रधान है, ना तो वो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव। रजोगुण प्रधान वो ईश्वर को पालनहार के रूप में देखती है, पालन करने वाले के रूप में देखती है, यानी विष्णु की उपासना करने वाले जो लोग हैं वो सतोगुण रूपधारी हैं, यानी जो रजोगुण रूपधारी हैं। रजोगुण वृत्ति से युक्त जो है वो भगवान विष्णु पालनहार के रूप में उनको मानते हैं, उनकी आराधना करते हैं। तो ईश्वर का दूसरा स्वरूप वो मानते हैं कि वो पालनहार है और इस संसार का भरण पोषण करने वाला वही है। तीसरी जो दृष्टि है वो नकारात्मक रूप है। नकारात्मक रूप का मतलब होता है तमोगुण प्रधान, जिसमें ईश्वर को हम संहारक के रूप में देखते हैं, कि जो भी इस संसार में संहार होता है, जो भी अंत में प्रलय होती है, उसका कारक जो परमात्मा है, उसका कारक जो ईश्वर का स्वरूप है वो शिव स्वरूप। तो ब्रह्मा विष्णु महेश, इसे गॉड कहते हैं, जनरेटर, ओरिएटर और डेस्ट्रॉयर, सत रज तम तीन है। इसी प्रकार प्रकृति में अगर आप तत्व को भी देखेंगे, अगर आप पदार्थ को भी देखेंगे, तो उसमें भी तीन प्रकार के ही कण पाए जाएंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिव है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। इनके बिना प्रकृति नहीं चलती। प्रकृति त्रिगुणात्मक है, तीन स्वरूप है। ये तीन वृत्तियां ही मनुष्य की भी हैं, इसलिए ईश्वर के तीन स्वरूप उन्होंने बता दिए। लेकिन जिसे आप ब्रह्म कहते हैं वो त्रिगुणातीत है, इन तीनों से परे, वो एब्सोल्यूट है, वो अनंत है, वो ना तो सत है, न रज है, न तम है, वो इन तीनों से बाहर है। इसको समझना हमारी बुद्धि के परे है, हम अपनी बुद्धि से उसकी विवेचना नहीं कर सकते।
जो कुछ भी हम देख रहे हैं ब्रह्मांड है, पूरा ब्रह्मांड अनंत ब्रह्मांड है, वो अनंत ब्रह्मांड भी उसी का एक भाग है। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मैं जिस विराट स्वरूप की बात उससे कर रहा हूँ, उस विराट स्वरूप को तो अपने इन साधारण चक्षुओं से नहीं देख सकता, उसके लिए मैं तुझे दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। और तब अर्जुन की प्रार्थना पर भगवान श्री कृष्ण ने वो दिव्य दृष्टि उसे प्रदान की। और उस स्वरूप को जब अर्जुन ने दिव्य दृष्टि के द्वारा देखा, अपने ज्ञान चक्षुओं के द्वारा जब उसने उसको अनुभव किया, तो उसने ये पाया कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो उससे परे है, सब कुछ जैसे उसी परम ब्रह्म में समाहित है, उसी से निकल रहा है, उसी से निर्गत हो रहा है, उसी में विलय भी हो रहा है। तो ब्रह्म की जो कल्पना है वो अनंत है, अनंत कल्पना। अनंत में आप कुछ भी जोड़ दें तो भी अनंत, कुछ भी उसमें से घटा दें तो भी अनंत, कुछ भी उसमें मल्टीप्लाई कर दें तो भी अनंत। तो अनंत तो अनंत होता है, और अनंत को आप वर्णन नहीं कर सकते। अनंत का कोई गुण नहीं होता, किसी गुण से उसको परिभाषित भी नहीं कर सकते। इसलिए ये दोनों में अंतर है। हम जिसकी कल्पना करते हैं वो ईश्वर स्वरूप की कल्पना करते हैं, ब्रह्म की कल्पना त्रिगुणातीत है, हमारी बुद्धि से परे है। ये आपके प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में मैंने दिए, जितना मैं अपनी बुद्धि से जानता हूँ, जो शास्त्र कहता है। इस वीडियो में इतना ही, शेष बातें अगले वीडियो में। नमस्कार, शुभ रात्रि।